हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आज है 15 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन रोज 10 बजे या 10:30 तक मिल जाएगा। नंबर पहला पॉइंट, एलन मार्क्स। एलन मास्क जो कि टेस्ला के मुख्य अधिकारी हैं। किसके? टेस्ला, ए टेस्ला, ए टेस्ला के जो कि मुख्य अधिकारी हैं। और ये क्या है? एक्सरे, एक्स स्पेस, एक्स स्पेस के सीईओ और स्वयं निर्माता हैं। ठीक है, इनको क्या हुआ? इन्हें टाइम पत्रिका का, इन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा इनको एक क्या दिया गया? इनको पर्सनल ऑफ द ईयर से नामांतरित किया गया। किसको? पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामांतरित किया गया। किसमें? टाइम पत्रिका द्वारा। एलन मास्क जो कि ए टेस्ला के प्रमुख अधिकारी हैं और एक्स स्पेस के सीईओ और प्रमुख निर्माता है। ठीक है, इन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का क्या मिला? एक तरीके से खिताब किया, नामित किया। ठीक है, और इसमें जो वाइडन और उसके निर्माता निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हसन। कमला हैरिस। इनको क्या दिया गया? निर्वाचित टाइम पत्रिका द्वारा इनको क्या दिया? इन्हें 2020 का टाइम पत्रिका द्वारा 2020 में इनको क्या दिया गया था? पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? जो बाइडन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। किसका दिया गया? पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का इन लोगों को नामित किया, जो 2021 के लिए है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। भारत ने 13 दिसंबर को भारत में डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया? एक लंबी विकसित दूरी सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसका? भारत में डीआरडीओ द्वारा एक सुपरसोनिक मिसाइल एरिस्टेट मिसाइल का परीक्षण किया गया। किस प्रणाली के द्वारा किया गया? एरिस्टेड टॉरपीडो, सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। एरिस्टेड टॉरपीडो यह प्रणाली का नाम है। किसका? यह प्रणाली का नाम है। इस प्रणाली के द्वारा एक सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह देश के पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका परीक्षण, किसका? देश की पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस मिसाइल का किस परीक्षण किया गया, जिसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? एरिस्टेड टॉरपीडो प्रणाली द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के बालासोर से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इस मिसाइल से एक टॉरपीडो पैरासूट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, एक टॉरपीडो पैरासूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज
मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किया जा सकता, एक टॉर्पीडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया, मतलब प्रयोग किया गया इस मिसाइल में, ज़्यादा कुछ नहीं, एक टॉर्पीडो, एक पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म का इस चीज़ इसमें क्या गया। यह DRDO द्वारा, यह DRDO किसको, नौसेना द्वारा हथियार प्रणाली की विकसित की, यह DRDO ने किसके लिए प्रणाली को विकसित, DRDO ने इसको नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के लिए इस प्रणाली को विकसित किया है, ठीक है। किस प्रणाली को विकसित किया, ऑर्सेट टॉर्पीडो प्रणाली। इस प्रणाली को ओडिशा के बालासोर से इस चीज़ को प्रक्षेपित किया गया, इसको सफलतापूर्वक मतलब देखा गया। एक इसमें क्या क्या है, एक टॉर्पीडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और एक रिलीज मैकेनिज्म जिसको रिलीज करें। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कितना, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, भारत पेट्रोलियम, कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या किया, इन्होंने हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए हरित पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इन्होंने क्या किया, एल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी की मतलब इसमें एक प्रणाली विकसित करवाई, एल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर इस प्रणाली को, प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा, किसको, भावा, परमाणु, अनुसंधान, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर को उत्पादित करने के लिए भारत भावा परमाणु अनुसंधान के साथ सहयोग किया, कि मतलब आप हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर का विकसित कीजिए, ये भावा परमाणु अनुसंधान द्वारा इसका सहयोग किया गया और इसकी प्रोडक्शन होगी जिससे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, ठीक है। वर्तमान में हरित हाइड्रोजन प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन स्टीम अभी किस तरीके से उत्पन्न होती है, स्टीम रिफ्रॉम 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 रिफ्रोमिंग रिफ्रोमिंग के माध्यम से रिफाइनरी में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, प्राकृतिक, वर्तमान में प्राकृतिक हाइड्रोजन को स्टीम रिफ्रोमिंग के द्वारा रिफाइनरी में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे, रिफाइनरी में हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, प्राकृतिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये 100% शुद्ध होती है, ये भी और ये भी, ठीक है। और इसको इसको बढ़ाने के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भाभा परमाणु अनुसंधान के साथ इस चीज़ का सहयोग किया है, ठीक है। अब ये इसको उपकरण विकसित करेंगे और इस प्रणाली को ज़्यादा विकसित करेंगे। ठीक है, ऊर्जा के माध्यम को कम, ठीक है, कितना, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया,
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। कौन सा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस में इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ को कम ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इस चीज़ को प्रोत्साहन कर किया गया है और विश्व को ऊर्जा के मतलब बचाव के लिए, मतलब ऊर्जा को कम से कम उपयोग करने के लिए उपकरण और इसके बारे में आवश्यक जानकारी को साझा किया गया है, ठीक है। और हर वर्ष यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार विद्युत मंत्रालय द्वारा 8 से 14 दिसंबर तक क्या ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय द्वारा 8 से 14 दिसंबर के बीच में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का विषय वस्तु क्या थी, इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसके वस्तु थी आजादी का अमृत महोत्सव। क्या थी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। ऊर्जा कुशल भारत, ठीक है। इसका विषय वस्तु क्या था, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का, जो कि 14 दिसंबर को मनाया गया, इसका विषय वस्तु था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कौशल भारत, ठीक है। ये इसका विषय वस्तु था और 8 से 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया, ठीक है। जल जीवन मिशन जो कि उत्तराखंड में चल रहा है, कहाँ पे, जल जीवन मिशन जो कि उत्तराखंड द्वारा 13 दिसंबर को हुई थी, मतलब जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को हुई थी और राज्य स्तरीय योजना पे स्वीकृति मिली थी। कितनी, 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय योजना को स्वीकृति मिली थी, जो कि उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इसके लिए सरकार ने बहुत पैसा भी खर्च किया है, ठीक है। इस स्वीकृति किसमें, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा, राज्य योजना किसके द्वारा, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड में इस चीज़ को की गई। इसको क्या कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, SLSSC की बैठक में, मतलब राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में, ठीक है, क्या किया गया, 56.7 करोड़ रुपए की पेयजल की आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई। कितने, 56.7 करोड़ रुपए पेयजल की योजना को मंजूरी दी गई, किसके, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा, ठीक है। कितनी की, 56.7 करोड़ रुपए की सिर्फ मंजूरी दी गई। दुबई क्या हुआ, दुबई ने 100% पेजलेस होने की पहली सरकार बना ली, मतलब दुबई में कोई भी पेज यूज़ नहीं करेगा, सरकार द्वारा किसी प्रकार के पेजों का यूज़ नहीं करेगा, किसमें, दुबई में 100% पेपरलेस सरकार है,
ठीक है। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा अमीरात, अमीरात के काउंस काउंस प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम किसके द्वारा? प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसकी घोषणा की कि अब दुबई में कोई भी सरकारी काम के लिए किसी भी प्रकार के पेज का यूज़ नहीं किया जाएगा, वो 100% पेजलेस सरकार घोषित कर दी। ठीक है, 14 दिसंबर को 100% पेपर इन्होंने घोषणा कर दी कि अब इसके बाद कोई भी सरकार में कोई भी पेज यूज़ नहीं करेगा, सब ऑनलाइन काम होगा। ठीक है, आईआईटी कानपुर द्वारा आईआईटी कानपुर द्वारा एक पोर्टल बल परीक्षण उपकरण को विकसित किया गया। आईआईटी कानपुर द्वारा आईआईटी कानपुर द्वारा एक पोर्टल परीक्षण उपकरण का आविष्कार किया गया। इस उपकरण के द्वारा मिट्टी की जांच की जाएगी। किसकी? मिट्टी की जांच की जाएगी और यह मिट्टी की जांच 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा देगी। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने पोर्टल परीक्षण उपकरण की टेस्ट किया, ये मिट्टी के सैंपल लेगा, उसको 90 सेकंड में बता देगी मिट्टी स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, ये इंफ्रारेड स्केप स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तकनीक पर आधारित है जो कि भू परीक्षण नामक एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक द्वारा विकसित की गई है और इसको इंफ्रारेड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा दे स्मार्टफोन पर रियल टाइम और रियल विश्लेषण के लिए इस रिपोर्ट को प्रदान करता है। ठीक है, यह रियल टाइम में इस एम्ब्रेडेड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा इस मिट्टी की जांच को अपने स्मार्टफोन पर अपन रियल टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रौद्योगिकी को एनी ग्रांट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रौद्योगिकी में एंग्रो, जिसमें एक होता है एंग्रो नेक्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया, इसको हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, और एक एसीआई विकास बैंक ने असम को कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए
जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ASU। असम को कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करने के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मंजूर करने के लिए, मतलब एशियाई विश्व बैंक ने असम को कौशल विश्वविद्यालय के कौशल विकास और शिक्षा को प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए कितने का लोन दिया? 1.2 मिलियन मिलियन डॉलर का ऋण दिया। ठीक है, इसमें क्या करेगा असम, क्या करेगा, एक कौशल विश्वविद्यालय योजना वाला विश्वविद्यालय बनाएगा जिसमें कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण की मजबूती के लिए उसने ADB मतलब एशियाई विकास बैंक द्वारा 112 मिलियन का मिलियन डॉलर का क्या किया है, लोन लिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए किसके लिए, जल जीवन मिशन, एक उत्तराखंड में एक इसमें है, जल जीवन मिशन के लिए तेजी से लाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन लाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने के प्रदेशों के लिए 604 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कितनी? 604 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। कितनी? जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 604 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के तहत पैसे की क्या दे दी, इस उनको सौगात दे दी। ठीक है, 2020 और 21 में, 2020 ए 2021 और 22 में केंद्र शासित के कोष में से, ठीक है, इनको 2747 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, इन लोगों को पहले इतनी दे गई थी, अभी दे दी थी, अब इनको 21 और 22 में 2747 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। किसके द्वारा? जल जीवन मिशन के तहत द्वारा दिए जाएंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के हर घर जल, इसमें जम्मू कश्मीर हर घर जल जल केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना की गई है। किसको? हर घर जल, किसके द्वारा? केंद्र शासित इसमें जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में हर घर जल योजना के लिए इसके उत्तर 2747 करोड़ रुपए किए 21 और 22 में आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, और अभी को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में 604 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इसमें हर घर में नल लगाए जाएंगे। प्लीज फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और लाइक और शेयर को बढ़ाएं।